अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, होप के सब लोग ठीक ठाक और हैडियत से होंगे। सो जी, आज मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ अपनी सिस्टर की बर्थडे। और ये जो है जी, मतलब मैंने एक ईयर पहले भी अपनी सिस्टर की बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग पोस्ट किया था, होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्लिप है ना, ये मैंने काफ़ी पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन मैंने कोई व्लॉग नहीं पोस्ट किया, इस वजह से जो है जी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया। और बाकी जो है ना, मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मैं अभी रात में गई थी बेकरी पर, ठीक है, और वहाँ से मुझे मतलब कुछ चीज़ें खरीदनी थी, बट जो है बेकरी वालों ने अलाउ नहीं किया शूट करने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पर व्लॉगिंग नहीं कर सकी। उसके बाद बस यहाँ पर मैं ये लेस खा रही थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लेस का कौन सा फ्लेवर पसंद है। एंड यस, मैंने जो है जी बेकरी में तो नहीं बना सकी, लेकिन ये वाला क्लिप आप लोग देख लें मेरे ट्रैवल का, जो मैंने बहुत फास्ट मोड पर कर दिया। एंड जी, थोड़ा सा सफ़र आप लोगों ने देख लिया, मैंने फास्ट मोड पे लगा दिया ताकि आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं। और फिर मैं गई थी गोरमे बेकरी पर, मतलब हम गए थे गोरमे बेकरी पर, और यहाँ पर वहाँ पर जी हमने लिए बेसिकली हमें चाहिए था पिज्ज़ा, लेकिन उनके पास जो है जी फ्रेश पिज्ज़ा नहीं था, तो उसकी वजह से जो है हमें चिकन बर्गर ही बाय करने पड़े। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने ले लिए चिकन बर्गर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैं इनकी अनपैकिंग करी, एंड मैंने कहा चले व्लॉग बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली जी, मैं काफ़ी दिनों बाद जो है ना, मतलब इस तरह व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ रैंडम व्लॉग, तो होप कि आप लोग को पसंद आए, मतलब आएगा ये वाला व्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आए तो इसको लाजमी लाजमी आप लोगों ने लाइक और शेयर करना। एंड हाँ जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को नेक्स्ट फुल बर्थडे सेलिब्रेशन भी दिखाऊंगी। बस यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं चिकन बर्गर की जो है अनपैकिंग हो रही थी। तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सा फास्ट फूड पसंद है। मुझे तो यहाँ जी पिज्ज़ा पसंद है या फिर शवरमा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोगों को पीछे से कुछ नॉइसेस आ रही हैं तो आप उनको इग्नोर करें। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको जो है जी थोड़ा सा अवॉइड ही कर लूँ, क्योंकि रोड साइड पे थोड़ा सा है तो उसकी वजह से इशू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने निकाल लिए, ठीक है, चिकन बर्गर्स। उसके बाद जी यहाँ पर ये रात में मैंने व्लॉग क्लिप बनाया था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें हो गया था मसला, ठीक है। और फिर क्या हो गया कि मैं जो मतलब मैं जिस ना फ़ोन से शूट अप कर रही थी इसको, उसमें क्या था कि मतलब वो ऑटोमेटिकली ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी किचन में, मैं इसको शूट कर रही थी एंड ऑब्वियसली पंखा वगैरह बंद था, तो उसकी वजह से ना उसमें टेम्परेचर का ऑप्शन आ रहा था कि टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन शूट नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से थोड़ा जो है ना, मुझे मतलब आप लोग कह सकते हैं कि किस्तों में मुझे व्लॉग बनाना पड़ गया था, ठीक है। बाय द वे, मैंने फिर भी मैंने जो है ना, मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग रेडी किया। उसके बाद यहाँ पर बस हम खाने वाले थे, एंड कोई भी फास्ट फूड हो और साथ में पेप्सी या कोक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक बटन, मतलब आप लोग कुछ भी कह सकते हैं पक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमने डाल लीजिए पेप्सी। उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों को भी मैंने अपने साथ बिल्कुल एंजॉय करवाया, लेकिन यहाँ पर ये ना मैं फुल आप लोगों को इसकी शॉपर वगैरह उतार के दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब ये काफ़ी पैकिंग में थे, काफ़ी अच्छी पैकिंग में थे एंड बहुत अफोर्डेबल भी थे। आप लोग कह सकते हैं कि मतलब जितनी प्राइस एक फैमिली पिज्जे की होती है उतनी। तो जी नेक्स्ट डे आ गया बर्थडे वाला डे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेलिब्रेशन, मतलब डेकोरेशन नहीं हुई थी, बट ऑब्वियसली जो खाने पीने का सामान था वो काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर ये हमारा केक है, ठीक है, उसके अलावा वो जी रायता था, बिरयानी, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और दही, फिर से पुलाव, और साथ में चना चाट थी एंड सेवैयाँ भी थी, ठीक है, मीठे में सेवैयाँ भी थी। तो ये हमारा मेन्यू था, एंड डेकोरेशन नहीं की थी ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब आप लोग कह सकते हैं कि डेकोरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही जो है जी घर में काफ़ी हुई हुई है डेकोरेशन वगैरह, तो उसकी वजह से बलून्स वगैरह नहीं लगाए। एंड वैसे भी काफ़ी जो मैंने बर्थडे व्लॉग शूट किए हैं ना, उसमें मैंने आप लोगों को हमेशा बलून्स दिखाए, इसलिए मैंने इस दफ़ा अवॉइड किया। उसके बाद यहाँ पर जी आ गई केक कटिंग सेरेमनी। हैप्पी बर्थडे टू माई डियर सिस्टर। तो आप लोग यहाँ पर दो तीन केक से, ठीक है, एक जो है जी फुल फैमिली कट किया था और एक वैसे ही पर्सनली हमने कजन्स ने मिलके कटिंग की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है जी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने बाद में क्लिप लगाया था, शूट किया था, लेकिन फिर मैंने केक कटिंग एक्सेप्ट कर दी। उसके बाद फिर से ये मैं अभी खाना हमारा जो है जी सर्व होने वाला था, उसके बाद खाना सर्व करने के बाद ना
यहाँ पर मैंने कहा एक दफ़ा मैं आप लोगों को ना सर्व करने से पहले दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ तो हुआ ख़त्म खाना पीना। उसके बाद मैंने यहाँ पर जी फ्रिज में रखी हुई थी चॉकलेट्स, जो जो चॉकलेट्स है ना ये मेरी मिली थी सिस्टर को गिफ्ट में, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट में। एंड वो अगली जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग है ना वो मैं नेक्स्ट आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये चॉकलेट्स काफ़ी अच्छी थी, आप लोग को पता होगा, इसका बॉक्स भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने कहा चलिए मैं आप लोग को खोल के फुल इनका जो है ना दिखा देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे चॉकलेट्स हैं, वैसे डेयरी मिल्क इज़ द बेस्ट, लेकिन उसके बाद मैं आप लोग को ये भी रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर किसी को डेयरी मिल्क नहीं पसंद तो, ठीक है। तो अभी इसको हम बाइट करेंगे, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जी इसके अंदर जो थे वो हेज़लनट वगैरह भी थे, ठीक है। उसके बाद ये आ गई गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, तो चलें आप लोग इसको सॉन्ग के साथ इंजॉय करें और बस फास्ट मोड पर, ठीक है। गिफ्ट्स की तो मैंने काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं कुछ ही गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग आप लोग को दिखाई, वरना वो बहुत ज़्यादा लंबा क्लिप हो जाना था, आप लोगों ने बोर हो जाना था। उसके अलावा ये वाला जो क्लिप है ना ये मैंने रात को बर्गर जब लाए थे उसके साथ ही शूट कर लिया था। एंड इसमें क्या था जी के मामा ने जो है मतलब जैसे कि आप लोग को पता है ईद आ रही है और वैसे भी घर के लिए ना कुछ मतलब ये बॉक्सेज वगैरह चाहिए थे, तो वो मामा लेके आई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा ये मैं आप लोग को दिखा दूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद आए थे एंड ये बेस्टेस्ट क्वालिटी है इन बाउल्स की, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये फुल जो है आप लोग कह सकते हैं आयरन के हैं एंड इनके बाहर ना कलरफुल पेंट है, आप लोगों को तो किसी भी सिंगल कलर में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो है मीडियम साइज़ का था और एक स्मॉल साइज़ का था एंड बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल और बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं थे। आप लोग मतलब जितने इजीली रेफ्रिजरेटर में भी आ सकते हैं और इजीली हैंड में भी कैरी कर सकते हैं, ये उस तरह के बर्तन थे। तो आप लोग इनको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे बेसिकली मैंने तो मतलब मैंने ज़्यादातर अपनी कुकिंग वीडियोज़ में यूज़ करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का मेरी सिस्टर की बर्थडे का व्लॉग एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मज़ा आया होगा। हाँ जी, मैंने आप लोगों को मतलब प्री बर्थडे से लेकर फुल बर्थडे के एंड तक दिखा दिया। तो अगर आप लोग को पसंद आया, यहाँ पर भी ये टेम्परेचर ऑप्शन आ गया था उस वजह से मैं बाहर ले आई इसको चारपाई के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद एक और बॉक्स भी है जिसके ऊपर जो जी कवर के ऊपर जो है ना मतलब ये फ्रूट्स के लिए है, तो इस कवर इसका काफ़ी खूबसूरत सा पेंटेड है। तो बस यही था मेरा व्लॉग, काफ़ी अर्से बाद मैं इस तरह रैंडम सा व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी से इसको लाइक करना है और हाँ जी मेरे चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और बस अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय।